नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। कोरोना काल चल रहा है और इसको लेकर के लोग अपने आप को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में आपको हम बता दें कि सिवान के सब्जी मंडी से थोक जो व्यवसायी थे, थोक जो दुकानें थीं, उन दुकानों को कोरोना जैसी महामारी में सिवान के दरोगा राय कॉलेज में भेज दिया गया था ताकि भीड़ न लग सके सिवान के सब्जी मंडी के थोक बाज़ार में। लेकिन उसके बाद का आलम यह है कि दरोगा राय कॉलेज में अगर बात करें तो पूरी तरह से दरोगा राय कॉलेज झील में तब्दील हो चुका है। इधर लगातार 3 से 4 रोज से जो बारिश हो रही है और उसके बाद से दरोगा राय कॉलेज का जो आलम हो गया है, उस आलम को देखने के बाद यहाँ के जो व्यवसायी हैं वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं दरोगा राय कॉलेज में ये तमाम व्यवसायी हैं और ये व्यवसायी आप देख सकते हैं कि अगर पूरे ग्राउंड की हम बात करें तो ये पूरे ग्राउंड का जो इलाका है, कोरोना जैसी महामारी जब आई तो प्रशासन ने इन्हें सब्जी मंडी की जो बाज़ार थी, थोक बाज़ार, वहाँ से दरोगा राय कॉलेज में शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद से यहाँ का आलम यह है कि 2-3 दिनों से जो बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से इनकी पूरी तरह से दुकानदारी चौपट हो गई है। और उसके बाद से ये तमाम व्यवसायी जो है सब्जी वाले, ये देख सकते हैं इस नज़ारे को देखने के बाद से ऐसा लग रहा है कि कहीं हम झील में खड़े हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि ये कोई झील नहीं है, कोई नदी नहीं है, बल्कि सिवान के दरोगा राय कॉलेज का यह प्रांगण है। हम आगे की तरफ चलेंगे और इन लोगों की समस्याएं को सुनेंगे। हालांकि एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पूरे नज़ारे को दिखाएं कि कैसे पूरा दरोगा राय कॉलेज का जो परिसर है, ये कोरोना जैसी जब महामारी आई तो इस दरोगा राय कॉलेज के कैंपस को सब्जी की थोक विक्रेताओं के लिए यहाँ पे दे दिया गया, उन्हें डिप्यूट कर दिया गया ताकि जो भी लोग अगर बाहर से आते हैं तो कोरोना जैसी महामारी जो संक्रमण बीमारी है वो ना फैल सके। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं रहा और जब बारिश की शुरुआत हुई महज 2 से 3 दिनों से, तो आलम यह हो गया कि दरोगा राय कॉलेज पूरी तरह से झील में डूब गया है, जिसको लेकर के व्यवसायियों में आक्रोश दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजय कुमार जो व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं या और भी तमाम यहाँ पे लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी क्या कुछ समस्या है, इन्हीं लोगों से हम जानते हैं कि आखिर आप लोगों की क्या कुछ समस्या है। देखा जा रहा है कि दरोगा राय कॉलेज पूरी तरह से झील में तब्दील हो गया है, तो आखिर आप लोगों का व्यवसाय कैसे चल रहा है? आपने तो देख ही लिया कि दरोगा राय कॉलेज पूरा तालाब में बदल गया है। हम लोगों को मौखिक आदेश मिला, DM साहब का आदेश आया, SDM साहब का आदेश आया, उसके बाद से थाना प्रभारी और BDO साहब का आदेश आया। उनका आदेश का हम लोगों ने पालन किया कि जब तक लॉकडाउन है तब तक आप लोग दरोगा राय कॉलेज में अपना व्यवसाय को चलाइए। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ आने के बाद काफ़ी तरह की कठिनाइयों को झेलना पड़ा। हमारे यहाँ दरोगा राय कॉलेज से 2-2 बार हम लोग का माल चोरी हो गया, फिर भी एक प्रशासन को भी हम एक सनाह दिए, उसमें भी हम लोगों को ये नहीं मिला। आज काफ़ी हम लोग का आप कोई माल 10 पूरा बच जाता है तो यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है, हम लोग का माल सड़ जाता है। अब पूरे लॉकडाउन में जितना भी बर्बाद हुए हैं हम लोग सब्जी मंडी वाले बर्बाद हुए हैं, जिससे हम लोग को क्षतिपूर्ति करने में कम से कम 2 साल लगेगा। दूसरी बात कि हम लोग अभी बरसात है, अभी लोग हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो हम लोग अब जिला प्रशासन से यही कहेंगे, जैसे हम लोग को मौखिक आदेश मिला है तब जिला प्रशासन से यही कहेंगे कि जब तक हम लोगों को जगह मुहैया नहीं होता है तब तक हम लोग को आदेश दिया जाए, अपने पूर्व की जगह पर जाएं, अपना व्यवसाय करें। हम तो प्रशासन से यही कहेंगे, बाकी आप सब देख रहे हैं, बाकी सारे लोग। तो आखिर आज तो पानी लग गया है पूरी तरह से, ये जो परिसर है झील में बदल चुका है, तो आखिर व्यवसाय कैसे हो रहा है आप लोगों का? व्यवसाय नहीं हो रहा, अभी जैसे रोडों पर गाड़ियाँ लगी थी, रोड जाम लगा था, हम लोग सारे जितने भी व्यवसायी थे रोड को क्लियर कर रहे थे, उसके बावजूद भी हमारे थाना प्रभारी महोदय आए, मुफसिल थाना प्रभारी महोदय है, उनके जरिए भी कुछ डंटा उंटा भी चला, लेकिन सब जगह खाली हो गया है। लेकिन हमें तो आदेश के इंतजार है कि हम लोग कब वहाँ जाएँ। हम लोग काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं, हम लोग मन नर्क जिंदगी लग रहा है कि हम लोग एक मरे हुए मुर्दा की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सुना इनकी बातों को, ये थोक व्यवसायी हैं और जाहिर तौर पे जब प्रशासन ने यह कहा था कि कोरोना जैसी महामारी है तो कृपया आप सब्जी मंडी का जो बाज़ार था, थोक बाज़ार था, उसे शिफ्ट किया गया था दरोगा राय कॉलेज में, और पूरी तरह से प्रशासन की बातों को इन्होंने माना भी था। लेकिन आज जो इनकी स्थिति हो गई है, जैसे कि इनका मानना है कि अगर 10 बोरे आलू या प्याज रखने की जहां व्यवस्था नहीं है, कई बार चोरी की भी घटनाएं घट गई, प्रशासन कहीं से कुछ नहीं कर सका, और आज आलम यह हो चुका है कि दरोगा राय कॉलेज पूरी तरह से झील में बदल चुका है, तो आखिरकार इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, व्यवसाय इनका कैसे चलेगा? कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पे, अभी जो पानी लग चुका है इस पूरे प्रांगण में, तो अब आप लोगों का व्यवसाय कैसे चल रहा है, इसके लिए क्या प्रशासन से कुछ आप लोगों ने बातचीत नहीं की? बातचीत हम लोग की है प्रशासन से,
हम लोग लिखित तौर पे हम लोगों से मांगा गया था SDO साहब से, SDO साहब को हम लोग लिखित तौर पे भी दिए। SDO साहब के पास हम लोग पहुँचे तो वो लोग हमसे हम लोग से बोले वो कि आप लोग जाइए DM के पास। DM के पास भी हम लोग गए, DM से हम अभी तक हम लोग से भेंट मुलाकात नहीं हो पा रही है, कहीं किसी काम में बिजी होंगे। लेकिन आज के डेट में बहुत काफ़ी बारिश होने के वजह से हम लोग की बिजनेस बंद हो चुकी है, बहुत काफ़ी यहाँ पे हम लोग का कठिनाइयाँ झेलना पड़ा। काफ़ी नुकसान में आप लोग होंगे? बहुत काफ़ी हम लोग नुकसान में हैं, बहुत ज़्यादा। माल भी चोरी हो रहा है, माल भी सड़ रहा है, माल फेंका भी रहा है, बारिश में माल भी सड़ रहा है सर। देख लीजिए सर, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ये सब्जी है और देखिए बिल्कुल कि कैसे यहाँ पे ये लोग बारिश में ये भींग चुका है। क्लोज करके थोड़ा दिखाएं और ये सड़ गया है, तो जाहिर तौर पे कि जब सब्जी ये सड़ने गड़ने लगेंगे तो इनको नुकसान होना ही है। हम थोड़ा सा अंदर के भी तरफ चलेंगे लेकिन कुछ लोगों से और बात करेंगे कि क्या समस्या का समाधान क्या है ये बताइए। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, आप मीडिया बंद हो सके हमारे साथ चाय का जो है कि किताब है, आप ही के माध्यम से टाउन थाना में मीटिंग हुआ था, आप भी उस समय मौजूद थे। एक आवाज़ में प्रशासन ने कहा हमको वहाँ जाने के लिए, हम सारे बंधुओं के साथ तैयार हो गए आने के लिए। यहाँ का जो दुखड़ा है प्रतिदिन प्रतिदिन दयनीय होते जा रहा है, इसका समाधान आपके हम यही चाहेंगे कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो है कि हमारा समाधान निकले और हमारे बंधुओं को जीने का कोई सहारा मिले। हमारे यहाँ ये दशा हो रहा है, माल सड़ रहा है, रोड पे जा रहे हैं डंडा से पिटा रहे हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, यही मैं आपसे कहूँगा। पहले से जो माल स्टॉक पड़ा हुआ है देखिए अभी अभी आपके सामने सब रखा हुआ है, सब माल तो ये भींग गया हो रहा है, सब भींग गया, नुकसान हो रहा है, कल फेंका जाएगा, ये एक नया पैसा इसका नहीं तरेगा। तो हम लोग सर प्रशासन से यही हम लोग मांग करेंगे कि हम लोग फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल के जहाँ पहले पुराना हम लोग का मंडी था वहाँ ले जाया जाए और हमेशा के लिए परमानेंट के लिए कहीं हम लोग को ज़मीन मुहैया करके वो दे दें, उसका हम रेंट दें। देखिए यही इन लोगों की मांगे हैं कि जो पूर्व से जो सब्जी मंडी में इन लोगों का काम हुआ करता था, जो थोक व्यवसायी जो सब्जी के थे वो वहाँ पे रहा काम किया करते थे, तो उसी तरह से इन लोगों की मांगे हैं कि जो आज यहाँ पे दरोगा राय कॉलेज की स्थिति हो गई है, जाहिर तौर पर अगर व्यवस्था दी गई होती उस तरह से तो ये आज न कहते कि हम वही सब्जी मंडी पे जाएंगे। क्योंकि जब दरोगा राय कॉलेज इनको डिप्यूट किया गया था उस समय काफ़ी इनमें खुशी देखी गई थी। एक यह खुशी थी कि जाहिर तौर पे ये जो सड़क के किनारे है और जाम की समस्या सबसे ज़्यादा सब्जी मंडी की तरफ रहती है, थाना रोड की तरफ, तो उससे भी इन लोगों को निजात मिला था, तो उस समय खुशी देखी गई थी। लेकिन आज जो स्थिति हो गई है, जो आलम है, इनकी बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई है, जिसको लेकर के इनके अंदर आक्रोश है और ये प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रशासन को भी इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये व्यवसायी सब्जी व्यवसायी हैं, अगर ये अपना कारोबार नहीं करेंगे तो घर बार कैसे चलाएंगे। कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, आप बताइए क्या कुछ समस्या है और अब आप क्या चाहते हैं? समस्या है सर यही, हम लोग पुराना मंडी में बेच रहे थे, कुछ भीड़ भड़क्का हो रहा था, उसमें लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन होने के बाद एक थाना में मीटिंग हुआ, थाना में हम लोग गए और आदेश हुआ आप लोग दरोगा राय कॉलेज में आप लोग जाइए, भीड़ भड़क्का हटाइए, जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक आप लोग वहाँ रहिएगा, फिर उसका बाद जो है बुला लिया जाएगा या देखा जाएगा। यहाँ आने के बाद हम लोग जिस जब से आए हैं तब से हम लोग खुशहाल नहीं हैं, इसलिए माल कोई का बच जाता है तो उतार देता है तो चोरी हो जाता है, माल उतरने के बाद जो है चोरी भी हो जाता है, नुकसान भी होता है, तो खैर ये तो घाटा नापा का काम है सर। लेकिन अब रह गया सवाल का, ये आप माने आँखों से देख रहे हैं ये तालाब बन चुका है, आज जो है गाड़ी रोड पर लगा हुआ है, जाम हम लोग हटा रहे थे, पहले आप ही इससे जो है एक सर आए तो हम लोग सभी आदमी आकर बोल रहे थे, बतिया रहे थे, उधर से आए और डंडा बरसाने लगे प्रशासन आप लोगों पे, ना ना जो जो लोग भेटाएँ सड़क पे जो जाम, हाँ जो लोग थे, आ उसका बाद हम लोग दौड़ के गए, उनको भी हम लोग समझाएँ देखिए हालत ये है, हम लोग हवालात के हम लोग पालन करते हैं, कानून को माने हैं, आदेश को माने हैं। अब मेरा ख्वाहिश यही है मेरा ख्वाहिश यही है जब तक के लिए हम लोग का पुराना मंडी में भेजा जाए और सरकार कोई व्यवस्था करे, वहाँ हम लोग जाने के लिए भी तैयार है। और अगर मान लीजिए कि ना भेजा गया तो फिर क्या होगा? तो हम लोग का वही होगा, अकाली होगा, मरेंगे भूखे,
हम लोग का कच्चा बिजनेस छोड़ा के कोई पक्का बिजनेस साइड बिजनेस तो है नहीं, तो हम लोग कर सकते नहीं होगा सर, तो हम लोग हड़ताल करेंगे, हम अपना कारोबार बंद करके हम लोग रोड पे बैठ जाएंगे। जाते पहले जाके देखिए, हम अंदर की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा छाता हम चाहेंगे, अंदर की तरफ हम चलेंगे और वहाँ चल करके हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार सब्जी विक्रेता जो है, थोक जो व्यवसायी है, इनका क्या कुछ दर्द है। और ये अंदर की तरफ चलेंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि कितना लॉस है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि देखिए ये लोग पानी से होकर ही गुजर रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पानी से होकर के अगर इन्हें सब्जी वहाँ से लाना है तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे जगह बनाए गए हैं और वहाँ पर सब्जी रखे गए हैं, तो सब्जी वहाँ से लाने के लिए, ये लोग बोरा लाने के लिए इससे होकर गुजरना पड़ता है। देखिए कितनी कठिनाई हो रही है इन लोगों को, दरोगा राय कॉलेज परिसर में ये लोग जा रहे हैं और वहाँ पे तब इस तरह का जो आलम है, देख करके जाहिर तौर पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो पानी भी है, थोड़ी सी गहराई भी है और इसमें ये जितने भी थोक व्यवसायी हैं इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम इसी में हम भी चलेंगे एक बार और चल करके हम भी थोड़ा सा, हम चाहते हैं कि इनका जो दर्द है, इस दर्द को बयां करें, अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाएँ कि आखिरकार वाकई जो व्यवसायी हैं प्रशासन की बातों को मानते हुए और दरोगा राय कॉलेज परिसर में आए हुए थे, लेकिन प्रशासन आज इनकी क्यों नहीं सुन रहा है। कई बार यहाँ पे चोरी हुए और उसके बाद से प्रशासन द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया, तो जाहिर तौर पे इनके बारे में सोचना होगा। पानी का आलम यह है कि पानी जो लग चुका है पूरी तरह से, दरोगा राय कॉलेज का जो परिसर है तालाब बन चुका है, इसका कोई ठीक नहीं है कि कितने दिनों में यह पानी सूखेगा, क्योंकि अब जो मौसम है वो बरसात का मौसम है और इसे नहीं कहा जा सकता है। तो जाहिर तौर पे इनके बारे में सोचना होगा, इनकी रोजी रोटी के बारे में सोचना होगा और तब जा कर के जिस तरह से ये लोग प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े हैं, आगे भी इसी तरह से खड़े रहेंगे। नहीं तो कुछ व्यवसायियों का कहना है कि कोई निदान नहीं निकला तो हम लोग आंदोलन करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि वो सब्जी विक्रेता हैं, हमें बुला रहे हैं, हम उनके पास चलेंगे भी कि उनकी क्या कुछ समस्या है। और जाहिर तौर पे सब्जी वहाँ पर वो ले करके रखे हुए हैं तो ग्राहक तो आएंगे नहीं, क्योंकि इतनी पानी लगी हुई है कि इस पानी में मुझे भी आने में थोड़ा सा डर लग रहा है कि गड्ढा है और समतल ज़मीन नहीं है, तो पैर हाथ भी टूट सकते हैं अगर गिरने के बाद। तो जाहिर तौर पर इसी को लेकर के हमने सोचा कि क्यों नहीं इनके पास आए और इनकी समस्या को समझा जाए और इनकी बातों को जिला प्रशासन तक पहुंचाकर और उन्हें अवगत कराया जाए। तो यहाँ पे कुछ और भी सब्जी व्यवसायी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है और कैसे ये यहाँ पे अपना धंधा कर रहे हैं, ये बताइए। तो सब कुछ डूब चुका है, देखा जा रहा है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पर सब कुछ डूब चुका है, यहाँ पर सब्जी रखा गया है और सब कुछ यहाँ पर डूब चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बेचारे ग्राहक के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये बताइए, आपका सब कुछ डूब चुका है, क्या कैसे क्या अब चल रहा है आप लोगों का, क्या कैसे चला जाएगा, कैसे चलेगा। हम लोग ना वही हाल है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का जी। रात में माल हम लोग रखते हैं तो कोई उठा के लेके जा रहा है, अगर कोई शुरू शुरू में लॉकडाउन लगा, प्रशासन के माध्यम से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो शुरू में प्रशासन भी बहुत डंडा चलाए, लाठी चलाए, चलो भाई हमको जीविका चलाना है, कमाना है, अपने बाल बच्चा को रोटी खिलाना है। आज भी हम लोग देखे आए सुबह तो पानी लगा ही वही चला, पूरे फील्ड में पानी लगे, तो हम लोग रोड पर अपना व्यवसाय कर रहे थे, मुफस्सिल थाना के प्रभारी आए, लगे डंडा चलाने, गाड़ी हटाओ, तुम लोगों को FIR करेंगे, ये करेंगे। हम लोग ना रोने का दिल करता है ना हंसने का दिल करता है, हम लोग जाएँ तो कहाँ जाए। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमको प्रशासन या आपके माध्यम से या प्रशासन में हम लोग से अस्थाई जगह दे, शिफ्ट कर दे, एक दिन की तो रोज़गार है कि नहीं कि चलो आज कमा लिए चार दिन खाएंगे, रोज कमाना है रोज खाना है, यही बात है और क्या। देखिए कुछ लोगों को अगर आना है तो देखिए कैसे आ रहे हैं, दरोगा राय कॉलेज परिसर में आप देख करके अंदाज़ा सहज ही लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे दरोगा राय कॉलेज में परिसर में लोग आ रहे हैं। वहाँ देख सकते हैं आप, वहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं, वहाँ भी हम चलेंगे, देखिए वहाँ भी यही स्थिति है। तो जाहिर तौर पे आप देखिए कि कैसे सब्जियाँ जो हैं, वो सब्जियाँ उसकी जो रखने वाली जो टोकरियाँ हैं वो बिल्कुल पानी में दह रही हैं, तो जाहिर तौर पे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनके बारे में सोचना होगा जिला प्रशासन को, क्योंकि स्थिति जो है कोरोना जैसी महामारी है तो सभी की स्थिति बहुत ही बेहद ख़राब चल रही है और इसको लेकर के इनका व्यवसाय बिल्कुल तरह से चौपट दिखाई दे रहा है, तो इनके बारे में सोचना होगा। इनके पास हम चलेंगे, देखिए इनकी सब्जियाँ इसमें डूब चुकी है, तो सब्जियाँ जब डूब जाएंगी तो जाहिर तौर पर सब्जियाँ सड़ जाएंगी, गल जाएंगी और इनको काफ़ी नुकसान भी इस समय हो सकता है।
हम इनके पास चलते हैं और इन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी समस्या है, इनसे हम बात करेंगे और इनकी बातों को हम जिला प्रशासन तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि इसी पानी में अपनी सब्जियों को ये रखे हुए हैं, हालांकि पानी इस सब्जी के अंदर चली गई है तो सब्जी गल गई है, सड़ गई है, काफ़ी इनको नुकसान भी होगा। ये बताइए, काफ़ी आप लोगों को नुकसान भी होगा पानी अंदर चले जाने से? तो नुकसान ही नुकसान है, थोड़ा सब्जी का हाल भी देख लीजिए। और यहाँ पे जब ये पानी का आलम जो है, इससे आलम में कोई आएगा, हमारा देखिए ये सब्जी कितना नुकसान हो गया, उधर वहाँ लोगों का पड़ा हुआ है। यहाँ पे इस पानी में कोई भी आएगा बताइए ना, ग्राहक तो छोड़िए। हाँ, रोड पर लगाए तो पुलिस डंडा से मारी रहा है। अच्छा, क्या हुआ? रोड पर लगाए थे तो आए थाने वाले, आए लगे डंडा चलाने, हम जहाँ तहाँ गाड़ी लेके भाग गए। तो आखिर आप लोग व्यवसाय अब कैसे कर रहे हैं, पानी तो पूरा लगा? सर, हम अब नहीं करेंगे, अब क्या करें, यहाँ पानी लगा गया, प्रशासन नहीं मान, हम लोग क्या करें, धंधा बंद कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, हम लोग सब लोग बंद कर देंगे धंधा, हम लोग कोई स्थायी जगह नहीं है तो हम कहाँ हम लोग बेचेंगे? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम जहाँ थे वहाँ हम चले जाएं, वहाँ चले जाएं। और क्या, और प्रशासन जिस तरह हम लोग को यहाँ लेके आया, उस तरफ जब लॉकडाउन का अथी खत्म हो गया तो हम लोग अपने जो जगह था वहाँ पे जाने की अनुमति दिया जाए। तो बिल्कुल आपने सुना कि जो सब्जी व्यवसायी हैं, जो थोक सब्जी व्यवसायी हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सीधे तौर पे उनका कहना है कि प्रशासन ने एक बार कहा और हम लोग कोरोना जैसी जब महामारी चल रही थी तो दरोगा राय कॉलेज में हम लोग शिफ्ट हो गए और आज स्थिति यह हो गई है कि हमारी सब्जियां पानी में डूब गई हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, काफ़ी नुकसान हो गया है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मसले पर प्रशासन को ध्यान देना होगा, इनके बारे में सोचना होगा, क्योंकि जो इनके रोजगार है वो बिल्कुल रोजगार दिन प्रतिदिन इनके डूबते जा रहे हैं और काफ़ी इनको नुकसान सहना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पे अगर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो इन बेचारे का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। देखना यह होगा कि आने वाले समय में जिलाधिकारी या फिर और भी जो अधिकारी हैं इन थोक सब्जी विक्रेताओं पर क्या कुछ ध्यान देते हैं और क्या इनका मामला हल करने का काम करते हैं या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, दरोगा राय कॉलेज, सिवान। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।